तो सर हमारे रिजल्ट कब आएगा? हमने तो दिए हैं। नहीं रिजल्ट तो देखें एग्जामिनेशन की तरफ से ओल्ड हम तो दे चुके हैं। ओके सर, ठीक है रिजल्ट दे चुका हूँ मैं, वो एग्जामिनेशन की तरफ से ओल्ड है। अच्छा अब हमारे पास देखें, मैंने ये बताया बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आप मेरा मेरा मशवरा ये देखें, व्हेन यू आर इन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन एंड क्लियरिफाई योर माइंड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। ये मेरा मेरा डिसीजन है। देखें ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो है ना ये कल को जब आप कोई कंप्यूटर बाय करने के लिए जा रहे हैं या कोई प्रोसेसर बाय करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी आप देखें मार्केट में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे MBA BCOM BTECH के स्टूडेंट भी हैं जिनका कोर सब्जेक्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस। दे आर जस्ट गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, दे आर हेयर फॉर जस्ट गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर साइंस। तो उनको पता होना चाहिए, उनको भी जब वो अपनी अपनी फील्ड में मौजूद हो और कभी उनको इस तरह से जो है वो वास्ता पड़ता है कंप्यूटर के साथ तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो अब जब आप कोई कंप्यूटर या कोई प्रोसेसर खरीदने के लिए जाते हैं और आप दो आपके सामने दो प्रोसेसर रखे जा रहे हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये प्रोसेसर जो है वो जस्ट सपोज 18,000 का है और ये दूसरा प्रोसेसर है जो कि 12,000 का है, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो वर्क है वो स्लो हो जाएगा इसकी वजह से। तो आपने क्या करना है, आप ये चीजें देखेंगे। तो L1 कैसे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी जितनी ज्यादा इसकी वो वैल्यू होगी। L2 कैशे जो उससे कम होगा, या L3 कैशे हम देख लेते हैं, हमने अभी ही ओपन किया हुआ था, हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ था, ठीक है। तो हम कोर i9 पे आ जाते हैं और हम इसकी कैशे देखते हैं। अच्छा कौन सी कैशे कह रहे हैं हम ये भी देख लेते हैं। अच्छा इसकी सारी कैसे नहीं बता रहा, इसकी स्पेसिफिकेशन सही नहीं दे रही है। अच्छा इसको यहाँ पे देना चाहिए था। वैसे निकाल लेते हैं हम कोर इंटेल कोर i9। अच्छा देनी तो चाहिए वैसे, यहाँ हो शायद। अच्छा वैसे इसकी डिटेल होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 16 MB कैश है। तो हम एक काम करते हैं, देखें अब आपको थोड़ा फर्क नजर आ रहा होगा। ये मेरे पास कोर i9 का 9th जनरेशन का एक प्रोसेसर है जो कि 7 9 सीरीज का है, लेकिन ये उससे अगली सीरीज का है, ठीक है 9 9 0 का। तो इसकी देखें कैशे मेमोरी कम है, इसकी कितनी है 13.75, लेकिन इसकी 16 MB है। तो इसमें और इसमें आप देखेंगे कि इसमें हजारों का फर्क होगा। यानी कि अगर ये आपको जो है वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ 40,000 का मिल जाएगा तो ये आपको 65 55,000 तक का मिलेगा, ठीक है। यानी काफी कॉस्टली होगा सिर्फ इतने से कैशे से, क्योंकि इतना ज्यादा कैशे जो है वो आपका प्रोसेसर या सीपीयू के नजदीक मेमोरी होगी उतना ही आपके पास क्या होगा कि आपका कॉस्ट जो है ना वो उसकी डबल हो जाएगी। कहीं आ नहीं रहा, खैर आना तो चाहिए इसको। इन्होंने इसको एलेबरेट नहीं किया, ये हाइड किया हुआ, आई डोंट नो व्हाई क्यों किया हुआ इन्होंने, किसी लॉजिकल वजह से किया होगा, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिला के यानी कि L1 L2 L3 टोटल कुल मिला के वो बता रहे कि आपके पास कितनी है 16 MB, अगर मैं कोर i9 की बात करूं। लेकिन अगर मैं अपने अपने वाले की बात करूं जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा मेरे पास तो फर्स्ट जनरेशन पता नहीं होगा भी नहीं होगा। मिनट
M520। ये महान कंप्यूटर जो जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सॉरी महान प्रोसेसर, ये वो प्रोसेसर है जो कि मेरे पास अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें देखें 2 कोर हैं, नंबर ऑफ थ्रेड 4 हैं, स्पीड इसकी मैक्सिमम ये है, और कैशे देखें 3 MB। सिर्फ एक एक 1 MB भी अगर कैशे आपका बढ़ता जाता है ना, तो उससे भी आपकी कॉस्ट जो है वो हजारों में बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें बहुत कम फीचर होंगे। देखें 8.3 से ज़्यादा मेमोरी नहीं सपोर्ट करता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेमोरी चैनल सपोर्ट करता है, DDR3 भी करता है सपोर्ट, और इसकी देखें मैक्सिमम 17 GB है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जब आप व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज। अच्छा, मैंने आपको दिखाया नहीं है। ठीक है, ये मेरा है, ये समझ में, ये प्रोसेसर है जो मैं अपने पास यूज कर रहा हूँ, कोर i5 का फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी रोम है हमारे पास। ठीक है, रोम हमारे पास क्या चीज है, यानी कि जैसे सपोज जिससे आप डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर राइट नहीं कर सकते। ठीक है, वन टाइम रीड ऑनली में आपके पास सीडी ड्राइव भी आ जाती है अगर वो राइटेबल नहीं है तो। ठीक है, तो उस पर परमानेंटली स्टोरेज जो है वो आपका राइट हो जाता है, फिर आप दोबारा उसमें डिलीट नहीं कर सकते। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर आपके पास जैसे कि मेरे, आप जब कभी भी कोई कंप्यूटर खरीद के लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं जिसके अंदर विंडोज ना हो, तो उसके अंदर एक फर्मवेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस, यानी कि बेसिक आउटपुट सिस्टम जो है वो आपका चल रहा होता है। फ्लैश मेमोरी में हमारे पास क्या है, वो फ्लैश मेमोरी बेसिकली इरेज कर देती है इलेक्ट्रॉनिकली रीराइट। तो अभी है रीड ओनली मेमोरी, है रीड ओनली ही, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फ्लैश कर देते हैं, तो ये कहलाती है ईईपी रोम। ठीक है, तो देखें सीमोस टेक्नोलॉजी यूजेस बैटरी पावर टू रिटेन इन्फॉर्मेशन व्हेन द पावर टू द कंप्यूटर इज ऑफ। ठीक है, तो ये जो फ्लैश मेमोरी है, ये सीमोस हमारा फ्लैश मेमोरी होता है जो हम, देखिए मैंने अभी बताया जैसे हम नया लैपटॉप खरीद के लेके आते हैं और नए लैपटॉप के अंदर हमारे पास क्या नहीं होता, हमारे पास विंडो नहीं होती लेकिन फिर भी चल रहा होता है और टाइम भी सही आ रहा होता है, वो कहाँ चल रहा होता है, वो बीच में फ्लैश मेमोरी होती है और फर्मवेयर होता है हमारा। ठीक है, वो फर्मवेयर कहाँ है हमारे पास, एक छोटी सी फ्लैश मेमोरी हमारे लैपटॉप के अंदर मौजूद है हार्ड मदरबोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर उसने अपना सारा फर्मवेयर रखा हुआ है, यानी कि ये चीजें जो थोड़ा बहुत बेसिक आउटपुट सिस्टम आपको दिखा रहा है। अगर हम फिजिकल क्लास में होते सारे के सारे, तो मैं आप लोगों को सामने ही दिखा रहा था कि फर्मवेयर किस तरह से होता है, अभी तो मैं सिस्टम बंद हो जाएगा। ये नैनो सेकंड में जो है हमारे पास होता है। देखें अभी जैसे इसने एग्जांपल दी कि 10 मिलियन ऑपरेशन इज इक्वल टू 1 लिंक, यानी कि जब आप एक दफा लिंक करते हैं ना, तो 10 मिलियन ऑपरेशन का इसमें तो नहीं है, 10 मिलियन ऑपरेशन जो है ना हमारा प्रोसेसर जो है नॉर्मली एक प्रोसेसर परफॉर्म कर चुका होगा। ठीक है, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है। तो आपको कोई भी चीज इसमें, अगर मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ या मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो आपको देखें कि ये चीजें क्लियर पता नहीं चल रहा कि कैसे चल रहा है। तो क्यों, क्योंकि एक जो हमारा ब्लिंक है उससे भी ज्यादा जो है ना 10 मिलियन ऑपरेशन ये नॉर्मली परफॉर्म कर जाता है एक प्रोसेसर। तो अब इसने एक्सेस टाइम बताया हुआ है कि जैसे मिली सेकेंड है तो 1000 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड को 10,000 से अगर हम उसको 10,000 हिस्सों में तोड़ेंगे 1 सेकेंड को, तो मिली सेकेंड बनता है ये। और उसके बाद अगर हम 1 मिली सेकेंड को 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड, यानी कि माइक्रोसेकेंड कितना है, मिलियंथ, यानी कि 1 सेकेंड को अगर हम 1 लाख में तोड़ें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास 1 माइक्रोसेकेंड बनता है। फिर हमारे पास देखिए 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, यानी कि 1 करोड़, अगर हम 1 सेकेंड को हम 1 करोड़ पार्ट्स में तोड़ दें, तो हमारे पास कितना बनता है, नैनो सेकेंड। और आखिर में पीको सेकेंड, ट्रिलियंथ, ट्रिलियंथ मेरे ख्याल में 10 करोड़ को या 1 अरब को बोलते हैं, आई थिंक सो। तो वो ट्रिलियंथ में अगर हम 1 सेकंड को तोड़ेंगे, कितना फास्ट एक्सेस है। ठीक है, मैं जो लफ्ज अदा कर रहा हूँ ना, इसमें मेरे ख्याल में 1 सेकंड लग रहा है। अगर मैं कहता हूँ एक्सेस टाइम, 1 सेकंड गुजर गया, तो वो 1 सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। फिर हमारे पर अडॉप्टर कार्ड है डिफरेंट किस्म के, मैं दिखाता हूँ कार्ड अगर आप नजर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या रहा है, क्या कह रहा है कि अडॉप्टर कार्ड क्या करते हैं, आपके फंक्शनर्स हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं नॉर्मली घर के लिए, और आप कह रहे नहीं मुझे गेम खेलना है या मुझे ग्राफिक्स का काम करना है, या आप कह रहे हैं नहीं मेरे पास जो है वो मैं अपनी एक साउंड सिस्टम की दुकान है और वहां पे मैं अपना साउंड सिस्टम बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो
उसके लिए डॉक्टर कार्ड होता है। वो क्या करता है, बेसिकली आपकी जो इनहेंस जो कैपेबिलिटी है उसको इनहेंस कर देता है। अभी मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है इसके अंदर जो ऑडियो जैक है वो एक ही है। अब वो भी पता नहीं को सारे कनेक्टर को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। तो अब अगर मैं करूं कि मैं एक ऐसा अडॉप्टर कार्ड ले लूं और मैं ये कहूं कि मेरा जो ये अडॉप्टर कार्ड क्या करे कि एक से ज्यादा जो है वो ऑडियो डिवाइसेस को या स्पीकर्स को सपोर्ट करे, ठीक है, तो मैं उसके लिए एक एडिशनल आईडी कार्ड लगा सकता हूँ जो पावरफुल हो, जिसमें वूफर हो, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा स्पीकर्स को हैंडल कर सकता हो, जिसमें इको सिस्टम हो। तो वो इस तरह के कार्ड मिलते हैं आपको, आप लगा सकते हैं। तो इसमें ये होता है आपके एक्सटेंशन स्लॉट, यहाँ पर आप ग्राफिक बढ़ाना चाह रहे। अभी इस वक्त जो मेरे ग्राफिक का काम नहीं हो सकता उसके ऊपर, या मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो नहीं हो सकती, तो उसके लिए मुझे एडिशनल ग्राफिक कार्ड लगाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको लगा सकता तो उसके लिए जैसे हमारे ब्लूटूथ का एमडी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का मॉडेम लगता है, नेटवर्क कार्ड लगता है, कार्ड टीवी यूएसबी डॉक्टर ये आप ये देखें डॉक्टर कार्ड जो है वो अडॉप्टर कार्ड की जगह। ये पीसीआई स्लॉट्स है हमारे पास जिसके ऊपर एक्सटेंशन स्लॉट्स भी हम जिसको कहते हैं। ये देखें ये इसके ऊपर ये हीट सिंक लगी हुई है, तो इसमें ये हमारे पास जीपीयू है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये साउंड कार्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन स्लॉट जिसमें हम मजीद और लगा सकते हैं। अब ये ठीक है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपको कितना सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जैसे ये देखेंगे इसके फंक्शन है, इसके आप प्रिंटर भी लगा सकते हैं, आजकल तो आप हर चीज यूएसबी पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक यूएसबी एक ऐसा प्लग एंड प्ले हमारे पास डिवाइस मौजूद है। उसके बाद हमारे पास बसेज हैं, ठीक है। बस से मुराद देखिए कह रहे हैं कि आप बस दैट अलाउ वेरियस डिवाइसेस बोथ इनसाइड एंड अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट टू कम्युनिकेट विद वन अदर। फिर डाटा बस है, एड्रेस बस है हमारे पास, ठीक है। देखिए बस से मुराद ये है कि एक वक्त के ऊपर हमारे उस चैनल के ऊपर कितना डाटा ट्रांसफर ट्रेवल हो सकता है। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे बस ये गाड़ियां जो है वो डाटा है, और बस मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके ऊपर इनको ट्रेवल करना है। तो अब ये इतनी सारी गाड़ियां जब वो ट्रेवल करेंगी तो वन बाय वन ट्रेवल करती हैं। अब उसमें दो चीजें बता रहा है, एक है डाटा बस और एक है एड्रेस बस। डाटा बस अलग होती है, एड्रेस बस अलग होती है। एड्रेस बस से आपको याद होगा मैंने स्टेडियम में दिखाया J20 सीट नंबर, तो जहाँ एड्रेस बस है यानी कि एड्रेस बस आपको बताएगी, ठीक है। और डेटा बस से क्या होगा कि आपका डेटा ट्रेवल होगा, यानी कि आपको पहले ये बताया जाएगा कि आपका जो डेटा है वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, फिर उस एड्रेस से आप क्या होगा कि आप डेटा फैच करेगा प्रोसेसर जो पर हम प्रोसेसिंग साइकिल। आवाज बहुत सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बार बार। हाँ तो इंटरनेट का कनेक्शन है, ओ सॉरी इंटरनेट का मसला था, ठीक है। अच्छा उसके बाद सिस्टम वर्ड बस है हमारे पास, वर्ड सॉरी वर्ड साइज सर डेटा बस और एड्रेस बस। वर्ड साइज का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कितने रिपीट कीजिएगा बेटा डेटा बस और एड्रेस बस रिपीट कर दें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी सर। अच्छा थोड़ा सा ना इससे हम मदद आनी हो, अच्छा ये
सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ करते हैं। अभी आ रही है वॉइस क्लियर है? यस सर। अभी क्लियर है, कंटिन्यू करूं? यस सर। ठीक है, देखिए हमारे पास, देखिए हमारे पास एक था सीपीयू, हम पढ़ चुके, एक थी मेमोरी, हम पढ़ चुके, आईओ डिवाइसेस जिनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं वो भी हम पढ़ चुके। अब देखिए आपस में तीनों कम्युनिकेट कैसे कर रही है, बेसिकली इसके लिए क्या करती है, ये एक बस यूज करती है। बस से मुराद ये कि चैनल है, एक पाथ है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पाथ है जिसके ऊपर ये डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आप ये समझ लें। तो ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट है। तो सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, एड्रेस बस के थ्रू जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है ठीक है उसका एड्रेस शेयर करते हैं, और डेटा अगर डेटा शेयर करना है तो वो डेटा बस के थ्रू जो ना वो एक दूसरे डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल बस कंट्रोलिंग करती है, अगर सीपीयू ने मेमोरी को कंट्रोल करना है या इनपुट आउटपुट। कंट्रोल से मुराद क्या है, कंट्रोल से मुराद ये कि यार एड्रेस उठा के ले आओ या इस एड्रेस से डाटा उठा के ले आओ, दैट इज कंट्रोलिंग। एड्रेस क्या है, एड्रेस बस के ऊपर सिर्फ एड्रेस आ रहा होगा कि फलाने एड्रेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है कि आपका डाटा मौजूद है, तो आप फलाने एड्रेस पे जाएं वहां से डाटा उठा के ले आए। डाटा बस क्या है कि सिर्फ डाटा आएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके पास एक, एक मैं आपने मैंने कहा मैं आपको मैं कंट्रोलिंग में आप कंट्रोलिंग में आपके हमेशा इंस्ट्रक्शन आती है, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि 3+2 करके दिखाओ। अब 3+2 के अंदर 3+2 की कंट्रोलिंग मैंने दे दी आपको, कंट्रोल मैंने बता दिया कि भाई आपने ये सेक्शन मैंने आपको दे दी कि आपने क्या करना है कि 3+2 आपने करना है। तो 3+2 आप कहाँ जाएंगे, एड्रेस बार के ऊपर। आप देखेंगे कि मेमोरी में 3 कहाँ पड़ा हुआ है, पहले 3 उठाएंगे। अब जब आप 3 उठाएंगे ना तो एड्रेस पे जाएंगे तो 3 डेटा बस पे ट्रेवल होके आएगा, फिर आप जाएंगे प्लस उठा के लाएंगे, एड्रेस पे गए प्लस उठाया प्लस डाटा बस पे आया, फिर आप एड्रेस पे मेमोरी पे गए आपने 2 उठाया 2 डाटा बस पे आया, एड्रेस बार बस पे नहीं आएगा डाटा बस पे आएगा। वो सीपीयू में गया उस पर कैलकुलेशन हुई, वापस से कंट्रोल बताएगा कि फलाने एड्रेस के ऊपर जाके इसका जो रिजल्ट निकला है 3+2 का कितना निकला है, 5 निकला है, उसको जाके मेमोरी पे सेव कर दो। जब वो मेमोरी पे सेव होने के लिए जाएगा ना तो वो डेटा बस के थ्रू वापस ट्रेवल होकर जाके मेमोरी में स्टोर होगा, एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस बताएगी कि इस एड्रेस पे जाके इसको क्या करो स्टोर कर दो। ऑल क्लियर? तो सेम मैसेज एज इट इज हमारे पास यहाँ पे डेटा बस और एड्रेस बस जो है वो अपना काम कर रही है। अच्छा, वर्ड साइज क्या है हमारे पास, वर्ड साइज हमारे पास ये होता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है ना हमारा प्रोसेसर क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है एक टाइम के ऊपर। ठीक है, तो वो दैट इज कॉल्ड वर्ड साइज, जितने भी वो कर सकता है। वैसे नॉर्मली एक वर्ड साइज जो है ना वो हमारा 8 byte का, एक बाइट का होता है, 8 bits, 8 bits। पौने 10 बजे जनरेटर चालू कर लेना। जी हारिस, ठीक है, वर्ड साइज में हमारे पास क्या है कि हम जो हमारे पास 8 bit का एक बाइट बनता है दैट इज कॉल्ड वर्ड साइज, फिर डबल वर्ड साइज, डी वर्ड जिसको हम कहते हैं ये, फिर हमारे जैसे हमने देखा था बाइट बिट्स टू बाइट, बाइट टू मेगाबाइट, मेगाबाइट टू गीगाबाइट, तो सेम ऐसे वर्ड साइज, डबल वर्ड साइज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारा प्रोसेसर कितना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, सॉरी। बसेस देखें 3 हो गई, एक सिस्टम बस, बैक साइड एक्सपेंशन बस। अच्छा, ये वाली जो है ना हम देख लेते हैं,
सर क्लास मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर ठीक है। यस सर। अच्छा जब अभी कॉल आई थी उसकी आवाज भी आ रही थी आपको? नहीं उसकी नहीं आई थी। शुक्र है। अबे भाई स्टूडेंट मैं तंग हूँ यार। स्टूडेंट क्लास क्लास क्या स्टूडेंट क्लास के दौरान कॉल कर रहा होता, मतलब उसको खुद ये सोचना चाहिए ये इस टाइम पे क्लास का टाइम है तो सर और तो कुछ कर नहीं रहे होंगे, क्लास ही ले रहे होंगे। अच्छा हम क्या कर रहे थे? बुला दिया ना सर। अच्छा ये कौन सी वाली बसेस थी हमारी? सिस्टम बस, बैक साइड बस, सिस्टम बैक साइड एंड एक्सपेंशन बस। ये वैसे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा नहीं इसमें डीप में नहीं जाएगा, डीप में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। देखें ये हमारे पास एक ये फ्रंट साइड बस होती है, एक होती है बैक साइड बस। फ्रंट साइड बस जो है ना वो हमारी ये है जिसमें जिसमें एड्रेस बस, ये हमने सिस्टम बस की हम बात कर रहे थे ना, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, ये हमारी कहलाती है सिस्टम बस। इसमें एक होती है बैक साइड बस। ये जो बैक साइड बस है ना ये हमारे पास होती है L2 कैश और CPU के कोर के दरमियान में, ये अंदर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है ठीक है। फिर एक होती है हमारे पास फ्रंट साइड बस, ये जो FSB है। तो CPU डायरेक्टली जो है ना वो ये मेमोरी पे एक्सेस करता है या चिपसेट के थ्रू मेमोरी पे एक्सेस करता है, दैट इज कॉल्ड FSB ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हमें उसने उसमें बताया ना फ्रंट साइड बस और एक्सपेंशन बस, दीज ऑल आर द बसेस। तो ये देखें ये हमारे पास कंट्रोल बस है और ये एक्सपेंशन बसेज हैं। अब एक्सपेंशन बस कौन सी है? जो आपको याद होगा अभी हमने PCI Express स्लॉट देखी थी जिसमें हम अडाप्टर कार्ड लगा सकते हैं, तो उसके लिए अगर हमें कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो वो होता है एक्सपेंशन बस से। ये बहुत एक्सपेंशन बस थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ मैं हम उसमें तस्वीर में आते हैं। ये देखें ये हमारे पास है प्रोसेसर ठीक है। ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। प्रोसेसर के अंदर आपने देखा होगा कि हमने देखा कि L1 भी है, L2 भी है, ALU भी है, कंट्रोल यूनिट भी है। ये आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर विद बैक साइड बस ठीक है, जो कि इंटरनली आपस में कम्युनिकेट हो रही है। लेकिन अगली बात, ये प्रोसेसर इस मेमोरी रैम के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है या बीच में कोई बस है, दिस इज कॉल्ड FSB फ्रंट साइड बस ठीक है। अब तीसरी बात कि ये प्रोसेसर और ये रैम, ये वाली जो एक्सपेंशन कार्ड लगे हुए हैं जो हम नॉर्मली कब लगाते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये लगे हुए नहीं आते। नॉर्मली आपका मदरबोर्ड में सब कुछ लगा हुआ होता है, लेकिन जब आपको एनहांसमेंट करनी पड़ रही होती है तो आप क्या करते हैं, अडॉप्टर कार्ड लगाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो एक्सपेंशन आपकी लगी हुई है, इस एक्सपेंशन के ऊपर अगर ये प्रोसेसर को इस पर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो जो जिस बस के थ्रू करेगा या डाटा चैनल के थ्रू या जो भी चैनल यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्यों कह रहे हैं कि यहाँ लगेगा तो एक्सपेंशन होगी ना, वरना वो बस इस्तेमाल में ही नहीं आएगी। बेटा क्लियर है? जी सर थैंक यू। उसके बाद हमारे पास पावर सप्लाई और बैटरीज हैं। पावर सप्लाई और लैपटॉप AC अडाप्टर कन्वर्ट द वॉल आउटलेट AC अडाप्टर इनटू DC पावर। देखिए ये भी DC पावर कर रहा होता है, ये भी DC पावर है। ये जो आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या टावर केसिंग वाले जो कंप्यूटर उनके अंदर ये वाली पावर सप्लाई लगी होती है, ये बेसिकली कर क्या रहा होता है, ये आपके नॉर्मल पावर को DC पावर में तब्दील कर रहा होता है। और इसी तरह से ये आपके जो AC पावर जो नॉर्मली घरों में आती है उसको DC में चेंज कर रहा है। सेम एज इट इज ये जो लैपटॉप का अडाप्टर है आपके पास, ये भी यही काम कर रहा होता है, लेकिन ये लो लेवल पे कर रहा होता है, बट काम दोनों एक ही कर रहे हैं। फिर ये देखें ये बैटरी है हमारे पास, जो जितने मोबाइल कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर हमेशा बैटरी होती है। तो मेरे पास लैपटॉप है इसमें बैटरी है, आपके मोबाइल फोन, मेरे पास मोबाइल फोन उसमें बैटरी है, तो बैटरी सब में होगी ठीक है। देखिए मोबाइल कंप्यूटर डिवाइसेस कैन रन यूजिंग आदर अ पावर सप्लाई और बैटरी, तो दो चीजों से चलता है, पावर सप्लाई से चलता है या बैटरी से चलता है ठीक है। हमने काफी चीजें देखी इसके अंदर, देख चुके हैं, खैर हम काफी चीजें देख चुके हैं, छोड़े इसको, इसके ओवरव्यू में क्या जाना।
नेक्स्ट टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा आज आपका क्विज भी है, दैट्स अ गुड साइन। जी उसामा अहमद बोले। सर मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है इट्स ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, आप चले जाएं लेकिन क्विज दे दीजिएगा, क्विज टाइम पे दे दीजिएगा। सॉरी ओके सर। सर मेरी अटेंडेंस फिर? अटेंडेंस उसामा अहमद आप कहाँ क्यों? सर नॉर्थ कैंपस। चलें आप किसी को बता दें ताकि वो याद दिला दे मुझे। अच्छा सर यहाँ पे नो। ओके सर ठीक है। अब हमारे पास क्या है इनपुट, अब हमारे पास क्या है कि हम हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनपुट दे रहे होते हैं। किसको इनपुट दे रहे होते हैं? हम इनपुट दे रहे होते हैं अपने कंप्यूटर को, ताकि भाई ये वाला टास्क परफॉर्म करो हमारे लिए, ये टास्क हम चाहते हैं कि हमारे लिए परफॉर्म करो। तो उसमें हम कैसे देते थे, मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैं वॉइस के थ्रू इनपुट दे रहा हूँ, आप जो है वो आउटपुट ले रहे हैं किसके थ्रू, स्पीकर्स के थ्रू, हेडफोन के थ्रू, और मैं यहाँ पे ये देखे माउस के थ्रू भी इनपुट दे रहा हूँ अपने कंप्यूटर को, या कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वैसे तो ये भी इनपुट दे रहा हूँ जो बोल रहा हूँ वॉइस के थ्रू, माइक के थ्रू, इसने सब चीज़ें ही बताई हैं इसमें, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं इसने। ये देखें जैसे माउस, टच स्क्रीन, टच सेंसिटिव पैड, ग्राफिक टैबलेट, स्टाइलस, कीबोर्ड, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस, गेम कंट्रोलर, ये सब इनपुट डिवाइस में, MICR कैरेक्टर्स, माइक्रोफोन इन हेडफोन, हेडसेट, बिल्ट इन वेबकैम, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, RFID रीडर, बारकोड रीडर, मार्केट रीड बाय OMR डिवाइसेस। ठीक है, और कौन ये स्कैनर, ये OMR, ये सब आपको पता है? किसी को कोई चीज ऐसी जिसको ना पता हो? जी हिफ्जा साबिर। सर मुझे ये पूछना था क्विज क्लास टाइमिंग में होगा या आफ्टर क्लास टाइम? नहीं नहीं क्लास टाइमिंग में हम कोशिश करेंगे लेंगे, क्योंकि बच्चों के मैं उस टाइम पे अटेंडेंस ले लूंगा, आप लोग क्विज देते रहिए। जी सर ठीक है, क्योंकि मेरी फिर फ्रीक्वेंटली क्लासेस हैं 5 बजे तक। ठीक है हम क्लास। जी सर करो सीधे क्लास ले। जी सर ठीक। देखिए ये हमारे पास एक OMR डिवाइस है। OMR डिवाइस अगर आपने कभी कहीं टेस्ट दिया हो, ठीक है, कभी कहीं पे कोई ऐसा एग्जाम दिया, FPC का अगर आपने एग्जाम दिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC का, तो FPSC के एग्जाम में ना ये OMR ही यूज होते हैं, कि आपको वो नंबर दिए, उन्होंने वो खाने दिए हुए होते हैं कि आप उसके अंदर जो है ना डॉट के ऊपर जो है ना वो क्या करें, सॉरी बॉक्स सर्किल है उसको जो है ना वो डार्क कर दें, तो वो ये जब OMR डिवाइस में डालते हैं और ये देखें आपको आंसर निकाल के देते हैं कि इसके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो ये हमारे पास OMR डिवाइसेस है, देखिए यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है ये नजर आ रहा होगा। सर ये पंजाब के जो बोर्ड पेपर होते हैं उसमें भी यही होता है सर्कल फिल करना होता है। अच्छा लेकिन ये यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया था कि ये टोटल MCQs बेस्ड है, इसमें आप आंसर नहीं ले सकते। ठीक है अच्छा उसके बाद हमारे पास इनपुट में ये देखिए हम बता चुके हैं जो यूज होती है नॉर्मली पॉइंटिंग डिवाइसेस, टच स्क्रीन, पेन है, पेन का इनपुट है हमारे पास, ठीक है, मोशन इनपुट, वॉइस इनपुट, वीडियो इनपुट, स्कैनर, एडिटिंग डिवाइसेस, फिर कीबोर्ड है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मली जो कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं जिसमें की प्रेस होते हैं हमारे पास, कीज होते हैं जो कंप्यूजर प्रेस करता है और इंटर डाटा होता है, और इंस्ट्रक्शन इंटू कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेज। देखें आपके पास मैं बता चुका हूँ कि जब मैं कोई भी कीबोर्ड के ऊपर से कोई की प्रेस करता हूँ तो वो की प्रेस करने के साथ क्या होता है कि मेरे कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन जाती है, वो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो कीबोर्ड बेसिकली इसको डीकोड करके दे रहा होता है, कीबोर्ड बता रहा होता है कि मैंने टी प्रेस किया है या ए प्रेस किया है, जिसके हम वाले पहले मैं समझा चुका हूँ कि हम किस तरह से ये ए या बी या सी या डी बनता है, ये ASCII कोड हम देख चुके हैं, ठीक है, उसकी कन्वर्जन अंदर से बिट बाइट में जो होता है, ऑल ऑफ दीज हम पहले हम देख चुके हैं। अच्छा उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास कीबोर्ड के अंदर कुछ होते हैं हमारे पास जिसमें टाइपिंग एरिया है हमारे पास, कुछ फंक्शंस की हैं, ठीक है, कुछ
टूगल कीज हैं हमारे पास, कुछ नेविगेशन कीज हैं, कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, फिर मीडिया कंट्रोल के कुछ बटन होते हैं, ये सब में नहीं होते, कुछ में होते हैं, कुछ इंटरनेट कंट्रोल, ये पहले आते थे, अब तो दुनिया इन सब चीज़ों सबको इस्तेमाल करके वापस अब सादे कीबोर्ड पे आ चुकी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी अगर आपको एक बात बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि कभी ये मीडिया कंट्रोल बटन्स, इंटरनेट कंट्रोल बटन्स, ये मैंने कभी इस्तेमाल किए हैं, कभी मुझे ज़रूरत पड़ी, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने इतना अर्सा काम किया, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, नॉर्मली सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं, तो सादा हुआ, जितना कम होंगे ना कीज उतनी ज़्यादा आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा कीज होंगे तो वो उतनी आसानी से आप हैंडल नहीं कर सकते। फिर कीबोर्ड में दे रहा है वैरायटी ऑफ कीबोर्ड ऑप्शंस फॉर कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास ये देखें, अगर मैं लैपटॉप की बात करूँगा तो ये कीबोर्ड है, अगर मैं टैबलेट की बात करूँगा तो आप अलग से कीबोर्ड अटैच करते हैं, और मोबाइल तो आपके अंदर मोबाइल डिवाइसेज मौजूद हैं तो मोबाइल डिवाइस के अंदर ही आपके पास क्या है, कीबोर्ड ओपन हो जाता है, तो आप उसके थ्रू टाइप कर लेते हैं। ये देखें, ये वाला वो कीबोर्ड है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया के भी ये बटन होंगे एडिशनल, और वो कुछ इंटरनेट के बटन भी होंगे, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे होते हैं जो आप बटन प्रेस करेंगे ना तो वो डायरेक्टली क्या करेगा आपके पास ओपन कर देगा, ब्राउजर ओपन कर देगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर देगा, ठीक है, इससे डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं उसमें। फिर एक पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं, तो पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल ऑन द स्क्रीन हुज लोकेशन एंड शेप चेंजेस यू एज अ यूजर मूव अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, कोई आपने बोला पता नहीं कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एक माउस है, और ये देखें मैं पॉइंट कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, किसकी मदद से, ये मैं अपने, इसकी मदद से, ये आपका जो माउस पैड है, क्योंकि मेरे पास माउस पैड है, सॉरी टच पैड कह सकते हैं आप इसको, माउस तो अलग है आपके पास, तो ये हमारे पास ये बेसिकली माउस है, ये हमारे पास टच माउस पैड है, और जो मैं इस वक्त जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक पैड ही है, उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये देखें ये कर्सर मैं इसीलिए घुमा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं इसके थ्रू पॉइंट कर पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर एवरीवेयर वेयर आई वॉन्ट टू पॉइंट माई ऑन माई स्क्रीन। फिर पॉइंटिंग डिवाइसेज में हमारे पास देखें ये वाली तो मैं यूज़ कर रहा हूँ टच पैड, और ये ट्रैक बॉल है, तो ट्रैक बॉल तो नहीं है ये, अब मैं ट्रैक बॉल यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास वैसे मेरे मैं आपको बताऊँ कि मेरे लैपटॉप के अंदर जो है ट्रैक बॉल भी है, मेरा अच्छे वाला लैपटॉप है भाई, तो ये देखें इसके अंदर ट्रैक बॉल है, तो ये अब मैं ट्रैक बॉल यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मूवमेंट आपको अजीब सी लग रही होगी, ठीक है, लेकिन जब मैं इससे घुमा तो बड़ा पैड से, क्योंकि मैं फ्रेंडली हूँ तो बड़ा स्मूथली चला रहा हूँ। तो ये फ्लैट होती है रेक्टेंगल पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज सेंसिटिव प्रेशर एंड मोशन, यानी कि आपको प्रेस करके उसको उस पर जो है मोशन करनी पड़ेगी। ट्रैक बॉल स्टेशनरी होता है, उसको क्या कर रहे होते हैं टॉप डाउन रोल कर रहे होते हैं आप। फिर टच स्क्रीन है आपके पास, देखें टच स्क्रीन नॉर्मली आप सब इससे फेमिलियर होंगे, हाउ बिकॉज यू ऑल आर यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स इन दे एरा, सबको आता है, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। फिर उसके बाद पेन इनपुट, ये हमारे पास स्टाइलस कहलाता है, नॉर्मली जो ये शुरू किया था सैमसंग नोट फोन जो थे उसके साथ स्टाइलस आना शुरू हुआ था, और उन्होंने एक ये चीज़ ऐड करी थी, देखिए नॉर्मली सिग्नेचर वगैरह के लिए यूज़ होता है स्टाइलस, अगर आपको कहीं ई सिग्नेचर करना है, देखें यहाँ पे ये ई सिग्नेचर कर रहे हैं, ये कोई सिग्नेचर पैड है, आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे तो आपके सिग्नेचर क्या होंगे चले जाएंगे, आप वैसे स्टाइलिश से चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप अपनी राइटिंग में कोई लेटर लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिख सकते हैं उससे तो आप बेहतर लिखें तो लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है ये टैबलेट है ग्राफिक्स का, ये जो है ना ये टैबलेट है ग्राफिक का, तो इसके ऊपर ये पूरा टच है, और आप इसके ऊपर ये डिजाइनिंग वगैरह है ना, ये देखिए यहाँ से कंट्रोल करो और यहाँ से, तो नॉर्मली जो बड़े लेवल पे जो ग्राफिक डिजाइनिंग के काम हो रहे हैं या जहाँ पे अच्छी कंपनीज के अंदर जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है तो उसके अंदर ये चीज़ें क्या होता है आपके पास यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो सारी क्या होती है इंटरनली आपके पास ड्रॉ हो रही होती है। फिर आपके पास देखें आप देखें मोशन के लिए आपके पास ये था कि विद मोशन इनपुट समटाइम्स कॉल्ड गेस्चर रिकग्निशन, ये गेमिंग वेमिंग के लिए भी होता है, अगर किसी ने गेम खेला तो उसको ये अंदाजा होगा, ये देखें इस भाई साहब के हाथ में सिर्फ यही है, ये इसके हाथ में देखिए ये कोई वो नहीं है,
अब इसको बैट बोलते हैं, ये गोल्फ के अंदर स्टिक बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि गोल्फ मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि इसको जब ये इसको मूव करेगा तो ये बिल्कुल प्रॉपरली ऐसे काम करेगा जैसे गोल्फ की स्टिक या गोल्फ का वो जो बैट है उसमें जो काम होता है। फिर ये देखिए हमारे पास मोशन वॉइस एंड वीडियो इनपुट, हम देखते हैं मैं अपने वॉइस इनपुट हम दे सकते हैं, प्रोसेस करते हैं इसको हम प्रोसेस फॉर एंट्रिंग इनपुट हम देखें। ये तो खैर मैं लाइव अभी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस देखें जाए, मैं बोल एनालॉग में रहा हूँ, मेरे सिस्टम जो है उसको डिजिटल में स्टोर करता है, फिर वो आपके जूम के आपको सुनाता है तो आपको एनालॉग सुनाई देता है, लेकिन बीच में जितनी भी ट्रेवलिंग वगैरह हो रही है डाटा प्रोसेसिंग हो रही है सारी डिजिटल हो रही है, जिसको हम मेरी वॉइस को रिकग्नाइज करने के लिए, आजकल तो मेरा गला खराब है तो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन वैसे जो है ना वो आपकी वॉइस रिकग्नाइजेशन की कैपेबिलिटीज आपके मोबाइल फोन में भी आ चुकी हैं, तो जो डिफरेंट स्पोक डिस्टिंग्विश करता है आपकी जो स्पोकन वर्ड्स हैं उसके दरम्यान में। फिर आपके पास ऑडियो इनपुट्स हैं, आपके पास एंट्री इन एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर सच एज स्पीच म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये डिफरेंट किस्म की डिवाइसेज हैं कि ऑडियो इनपुट गा, ये भी देखें आपको शायद पता होगा कि आजकल के दौर में अगर किसी की आवाज खराब है ना तो वो ये जो भाई साहब यहाँ पे जो सेटिंग कर रहे हैं इस तरह की कुछ सेटिंग के थ्रू जो है ना वो क्या कर सकते हैं आप उसको किसी भी अच्छा कर सकते हैं कि वो गा रहा होगा तो उसकी वॉइस जो है ना वो आपको साफ नजर साफ होगी फील होगी कि भाई बड़ा बहुत गा रहा है। बहुत से सिंगर हैं जो इस तरह से सिंगर बने कि जो सिंगर हैं नहीं लेकिन जिनकी वॉइस अच्छी नहीं है लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो अपनी वॉइस को अच्छा बनाते हैं, आप चाहे तो आप ही बना सकते हैं। एक दफ़ा मैंने मोबाइल फ़ोन में अपने डाउनलोड किया था, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, मैंने मोबाइल फ़ोन में फ्री वाले वर्जन ही डाउनलोड किए तो वो आपकी आवाज़ को अच्छा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसकी टॉकिंग कैट जो होता है बिल्कुल एक जो है वो एक कैट की वॉइस में बात कर रहा होता है, आप जो वर्ड टू वर्ड जो वर्ड टू वर्ड वही कह रहा होता है लेकिन वॉइस उसकी होती है, तो आप तो सकते हैं और हमेशा रेशमिया की आवाज में भी गा सकते हैं, ठीक है दैट इज टेक्नोलॉजी। फिर म्यूजिक प्रोडक्शन है हमारे पास, सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू रिकॉर्ड कंपोज मिक्स एंड एडिट म्यूजिक एंड साउंड्स, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि भाई साहब एडिटिंग कर रहे हैं म्यूजिक की या कंपोजिंग कर रहे हैं, ठीक है उसको साउंड के ऊपर डिफरेंट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। फिर इसमें हमारे पास रिकॉर्ड वीडियो और डिजिटल वीडियो डीवी कैमरा, डिजिटल वीडियो कैमरा है वो हमारे पास, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं वीडियो टू अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफर करते हैं किसी वीडियो को कंप्यूटर के ऊपर या फिर किसी मोबाइल डिवाइस के ऊपर, ठीक है तो ये रिकॉर्ड आप नॉर्मली अभी देखें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट इसलिए भी आपको क्लियर होगा क्योंकि अब हर किसी के पास, पहले तो नहीं होता था मोबाइल फ़ोन लेकिन अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन, तो उससे आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप वीडियो तो रिकॉर्ड करते ही हैं और आप वीडियोज ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास मीटिंग एंड हो रही है यहाँ पे, हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, मैं मीटिंग एंड करके दोबारा दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, काइंडली सब ज्वाइन कर लें, थैंक यू।